मित्रों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे और आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्यालयों के समक्ष जो चुनौतियां इस समय खड़ी हो गई हैं उन चुनौतियों पे। और हमसे बात करने के लिए गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के अंतर्गत भोरे में एक नामी गिरामी और बहुत ही बड़ा सा एक विद्यालय के विद्वान डायरेक्टर हमारे साथ हैं माननीय श्री अशोक सिंह जी। मैं आपका स्वागत करता हूं अशोक सर। इस सीरीज का ये दूसरा इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू हम लोगों ने किया था डॉक्टर एलोरा नंदी मैडम का, जो कि गोपालगंज के डॉक्टर नंदी ग्रेस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। और इस क्रम में यह दूसरा इंटरव्यू। आखिर मैं थोड़ा सा बात कर लूं कि इस साक्षात्कार का रीजन क्या है और इस साक्षात्कार के बाद हम लोग किन निष्कर्षों पे पहुंचने वाले हैं। तो ये जो साक्षात्कार है मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारे विद्यालयों के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से हमें चाहे हम आंख बंद भी कर लें तो भी हमें दो चार होना है, निपटना ही है, हम उनसे भाग नहीं सकते। तो भागने से बेहतर है कि हम जाग जाएं और खुद चर्चा करके उन चुनौतियों पे रास्ता निकालें, कुछ ऐसा रास्ता निकालें जिस रास्ते से हम उन चुनौतियों से निपट सके। इसी सिलसिले में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो हमारे बीच अशोक सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अशोक सिंह जी का। और मैं जो अशोक सर, ये लॉकडाउन को लेकर के तो बहुत सारी चुनौतियां आई हैं अभी वर्तमान में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में ही सोचा जाए, मैं यह कह रहा हूं कि अभी वर्तमान में किस किस तरह की चुनौतियां जो हमारे असंगठित क्षेत्र के विद्यालय हैं उनको झेलनी पड़ रही है, वो चुनौतियां कौन कौन सी हैं, दो तीन चुनौतियां जो सर आपने भी फील की हो, कृपया उनकी चर्चा की जाए। अशोक सर, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन समस्याओं को ऑब्जर्व किया, इसका आकलन आपने किया, क्योंकि ऐसे सारे व्यक्ति हैं, हम लोगों जैसे तमाम विद्यालय संचालक हैं, प्रबंधक हैं, जो एक विद्यालय तो चल रहे हैं, सारे लोग विद्यालय चला रहे हैं, लेकिन अभी तक जैसे इंडिकेशन इस जिले में है कि आपने ऑब्जर्व किया और ऐसे विद्यालय प्रबंधकों का आप कम से कम उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा दुर्गाचरण पांडे जी को। थैंक यू सर, इतना अच्छा उनका ये प्रयास है और कि हमको भी अपनी चुनौतियां बताने का इन्होंने मौका दिया है। और रही चुनौतियों की बात, जैसे देखिए समस्याएं तो कहा जाता है कि कोई भी आदमी कोई काम करता है तो काम जितने भी हैं वो चुनौतियों से ही घिरे होते हैं और समस्याएं आती हैं, उसके तमाम निवारण भी होते हैं। पहले होता है कि डायग्नोज करना, एक ऑलरेडी सबको ही पता है कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो सही डायग्नोज किया जाए कि चुनौतियां हैं क्या। पहले अभी चलिए एक एक महामारी हम लोगों के पूरे विश्व में है, पूरे देश में है, के सामने आई है और ये ऐसी चुनौतियां हैं जिसको सभी लोग झेल रहे हैं। आप सभी लोग एक तरह से जितने भी विद्यालय चल रहे हैं और जितने भी प्रबंधक हैं विद्यालय से जुड़े हुए, विद्यालय कह सकते हैं कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी लोग हैं आजकल काफी प्रभावित हैं इस कोविड महामारी को लेकर के। सबसे पहले तो देखिए चुनौती ये है कि जो विद्यालय चल रहे हैं तो आर्थिक चुनौती सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कोई भी कहिए ये धार्मिक पेशा है, विद्यालय से हम लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा जो है कर रहे हैं जिसमें हम समाज को जो है एक रास्ता दिखा रहे हैं और हम लोगों से भी बहुत सारे शिक्षक, समाज के लोग और कई तरह के कर्मचारी जुड़े हुए हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो एक व्यवसायिक पेशा भी है तो इसमें भी आर्थिक सहयोग या आर्थिक चीजें जो है, फाइनेंशियल आपका कंडीशन हुई आपके लिए, जो भी आपकी पूंजी है, आपके अभिभावक जो आपको फी देते हैं उसी से इन विद्यालयों का संचालन होता है। और सबसे बड़ी समस्या तो सारे विद्यालयों के सामने है, सबको इस चीज को फील कर रहा है
यहाँ पे जो है अभिभावक हैं, अभिभावकों से हमारा जो अटैचमेंट है एक कह सकते हैं कि आत्मीय रिलेशन है। पूरी तरह से हम लोगों ने अपने इस पेशे को व्यवसायीकरण का नाम नहीं दिया हुआ है। जो भी आप कह सकते हैं कि जो भी हमारे क्षेत्र के गांव लेवल के जो स्कूल हैं, इनमें व्यवसायिकता नाम की अभी कोई चीज नहीं है। हम लोग आज भी इस काम को एक धार्मिक कार्य समझ के कर रहे हैं, जिससे हम समाज का कल्याण कर सकते हैं। और अभी तक जैसे आप कह सकते हैं कि आदमी का जो ऑब्जर्वेशन होता है, आकलन होता है, तो वो जो होता है समय आने पे ही सबकी पहचान होती है। तो अच्छा हुआ कि ये महामारी एक तरह से सबकी आंखें एक तरह से इस महामारी ने खोल ही दी है। हम लोग भी आश्रित थे, हम लोग भी हमेशा जो विद्यालयों का हम लोग का रहा है, हम लोगों ने अभिभावकों का हमेशा सपोर्ट किया है। हर जगह जब भी अभिभावक के पास फी नहीं रही है, अभिभावक ने आके कहा कि हमारे जो है ससुराल में शादी है, तो हम लोगों ने फी अपना रोक के मैनेज करके दिया है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी समस्या आई कि आप जैसे हम अपने देहात के स्कूल्स के बारे में बता रहे हैं, अभी भी हम ऐसे विद्यालय हैं कि आज भी दिसंबर से कहिए तो हमारे सारे स्कूल्स का फी दिसंबर से ही बाकी होगा। जो विद्यालय ये आप कह सकते हैं गाँव स्तर पर चल रहे हैं, हम भी यहाँ भोरे में मेरा विद्यालय है, हम भी देहात से बिलोंग करते हैं बाकी शहरों, लेकिन जब स्कूल का नाम आता है एक प्राइवेट स्कूल की जहाँ बात आती है, तो सभी प्राइवेट स्कूल चूंकि जाति, जब जाति की बात आएगी तो हम भी प्राइवेट स्कूल ही कहे जाए। लेकिन आज भी जो गार्जियन की अवधारणा, एक गलत अवधारणा आप जिसे कह सकते हैं, जो एक बना हुआ है, लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले जो है लुटाई करते हैं, बहुत पैसा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये एक मन में एक धारणा बनी हुई है। हम लोग भी आप ही के जगह से, आप ही के क्षेत्र से हम लोग भी संबंध रखते हैं, और आप कहते हैं कि जो है प्राइवेट स्कूल वालों ने है बहुत, अभी देखिए जैसे आजकल मीडिया का कह सकते हैं कि रूल है, जहां तक मीडिया पॉजिटिव तौर पे भी काम कर रही है, एक निगेटिविटी भी आप कह सकते हैं कि मीडिया की रही है। मीडिया जहां तक है आप देख सकते हैं कई तरह के भ्रम वायरल हो रहे हैं कि जो है प्राइवेट स्कूल जो है 3 महीने का फीस नहीं लेना है, इस तरह की समस्या है। तो ये 3 महीने की बात तब आएगी ना जब तक आपका पहले का जो हम लोगों ने स्कूल का क्लासेस लिया हुआ है, जो मेरे क्लासेस चले हुए हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ कि मार्च तक का ही फीस अभी है। हमारे जो लोकल के स्कूल्स हैं या जो ग्रामीण स्कूल हैं उनका अभी तक कलेक्शन नहीं हुआ है, और अभी गार्जियन ये कह रहा है कि आगे के 3 महीने का फीस का क्या होगा। तो ये तो खुद गार्जियन को हम ये नहीं कहेंगे, हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, एक है कि इसको आत्मा से खुद ही हमें फील करना है। जो देहात के जो अभिभावक हैं उनको खुद ही ये एहसास होना चाहिए कि हम जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र के, ठीक है ये बहुलता है कि हम भी निजी विद्यालय हैं, और उनका जो भ्रम बना हुआ है टाटा बिरला, या हम एक नाम नहीं ले रहे हैं कि मतलब टाटा बिरला जो स्कूल्स, एक मैं एक कंपैरिजन कर रहा हूं कि जो शहरों में जो स्कूल्स हैं उनकी क्वालिटी अलग है, उनका एक्सपेंस अलग है, उनके स्कूल का मैनेजमेंट अलग है। तो हम लोग भी चूंकि जाति हम लोग की एक ही हो जा रही है, हम भी निजी विद्यालय हैं, वो भी निजी विद्यालय हैं, तो ये कैटेगराइजेशन जो है वो अगर किया जाए, अगर गार्जियन जो भी है अगर हम लोग को उससे कंपेयर कर रहा है, तो थोड़ा सा मेरा गार्जियन से यही रिक्वेस्ट होगा कि इस चीज को आप ऑब्जर्व कर लें कि हम लोग निजी विद्यालय हैं लेकिन वो निजी विद्यालय नहीं है। हम वो निजी विद्यालय नहीं है, ठीक है एक ग्रुप होता है, जैसे अगर कैटेगरी निकाला जाए तो भगवान में भी कैटेगरी निकाला जाता है कि भाई खिसियावा भगवान होगा, भाई बड़ी जल्दी खिसियाल है, ठीक बात, तो वो भी है, हम लोग भी वही कैटेगरी हम भी है, लेकिन उसमें आपको करना है कौन सा भगवान जल्दी खुश होगा और कौन सा भगवान के लिए ज्यादा प्रार्थना करनी होगी। तो ये चीज गार्जियन को एक्सेप्ट करना है, थोड़ा सा हम लोग के बारे में भी गौर करना है। आज दुर्गाचरण जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अगर ये चीज है, इस तरह की समस्याएं अगर हैं, तो हम ये नहीं कहते आजकल कोई किसी को कुछ सिखाना नहीं है, हम ये नहीं कहना कि हम टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन खुद ही आप टीचर हैं, हर गार्जियन टीचर है अपना खुद का, वो हमको इस क्षेत्र में टीच करें कि भाई हमारा फीस जो मार्च तक ही बाकी है उसका आप लोग क्या विचार कर रहे हैं। और सारे स्कूल से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी स्कूल्स हैं, हम लोग की अवधारणा जो भी बन रही हो गार्जियन को लेके भी, निगेटिविटी आ रही हो पॉजिटिविटी आ रही हो, तो हमें भी गार्जियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है।
तो मेरे साथ तो यही है कि सबकी चुनौतियां, सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती इस समय सारे स्कूल्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो ये है। तो इसको अब कैसे सॉल्व, ये इसका अभी जो रास्ता है, जहां तक मैं कहता हूं कि अगर गार्जियन स्कूल्स वाले अभी एक प्रयास करें, जो जहां तक है कि एक भावना, सबसे पहले भावना कैसे किसी की जागृत करते हैं, आत्मीयता की भावना जगे। जैसे आत्मीयता की भावना से मेरा ये सेंस है कि देखिए, अभी मैंने कहा कि कैटेगरी, अभी मैंने कहा कि हम लोग भी निजी क्षेत्र विद्यालय है, निजी विद्यालय हम लोग कहे जाते हैं। तो जहां तक मैं अपने ऊपर पर्सनली एक मैं कहना चाहूंगा, अब अच्छी बात है किसी को, किसी प्राइवेट स्कूल के संचालक के पास या प्रबंधक के पास या शिक्षक के पास किसी गार्जियन ने हालचाल लेने के लिए कॉल कर दिया हो तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे पास लगता है कि एक गार्जियन अभी कॉल नहीं किया है कि सर आप हालचाल आपका कैसा है। तो सबसे बड़ी इसका मतलब है कि कमी मेरे ही अंदर है कि मैं वो आत्मीयता नहीं जगा पाया हूँ एक किसी गार्जियन के ऊपर, ताकि जो है वो हमारी इस भावना को समझ सके। और जहां तक भावना, तो हम लोग के पास तो भाई हनुमान जी वाला सीना है नहीं कि एक जगह 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 हम लोग दिखाते रहे कि ये देखिए कि हम किस भाव से विद्यालय चला रहे हैं, आपके लिए मेरे लिए क्या भावना है। तो भाई ये फीलिंग गार्जियन को भी करना होगा और सारे विद्यालयों को भी ऑब्जर्व करना होगा कि वो भावना अभी तक गार्जियन में हमारे प्रति क्यों नहीं जग रही है, वो सहानुभूति की भावना क्यों नहीं जग रही है। एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, आप देखते होंगे कि रोड पे भी एक आदमी जाता है तो 10 लोग उसको उठाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन हम लोग की स्थिति यह है कि सब कोई रोड पे गिरा हुआ है। रोड पे गिरा हुआ आदमी मानिए एक्सीडेंट से गिरा हुआ है, तो एक्सीडेंट वाले आदमी हम ही लोग हैं, प्राइवेट स्कूल वाले हैं, लेकिन हम लोग को उठाने कोई नहीं आ रहा है। कह रहा है कि ये तो प्राइवेट स्कूल वाला है, बहुत क्षमता वाला है, खुद ही उठ के दौड़ने लगेगा। तो वही स्थिति है कि एक गिरे हुए, मतलब रोड पे गिरे हुए एक्सीडेंट वाले अभी हम लोग आदमी हैं और हम लोग को कोई उठाने नहीं आ रहा है। वो चाहे आपका गार्जियन हो या कहिए कि आपके अब स्टाफ हो, हम स्कूल स्टाफ्स की भी इसमें कह सकता हूँ, जो शिक्षक हैं हम लोग, अगर मैं अपने आप को एक प्रबंधक कहिए, संचालक कहिए, तो अगर संचालक के तौर पे कहिएगा तो एक टीचर, खैर सब कोई तो सब अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं लगता है कि हम एक दूसरे का हालचाल भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। और पांडे जी, जी सर, आपने जो अभी बात कही है, अभी आपने जो बात कही है कि जो हम लोग का, हम लोग की जो दशा है, दुर्दशा हो गई है, और एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही इस दौरान, इस चर्चा के दौरान हम ये देख रहे हैं कि आपने एक बड़े अच्छे बात को कोट किया। बात यह थी कि गार्जियन से हमारी आत्मीयता नहीं बन पाई है, ये एक बहुत ही मार्केबल पॉइंट है। और जब तक हमारे आत्मीय संबंध नहीं बन पाया, ठीक है एक आदमी दुकान चलाता है, कोई बात नहीं, दुकानदार का काम है सामान बेच देना, यदि उससे आत्मीयता नहीं बन पाती है तो चलेगा। लेकिन एक आदमी के बच्चे जिसका हम भविष्य संवार रहे हैं, उससे हमारी आत्मीयता नहीं बनती है, तो ये एक बहुत बड़ी सामाजिक दुर्घटना है जिसको लॉकडाउन ने ऊपर कर दिया। एक सोचने वाला ये चीज, स्कूल वालों को पुनर्विचार करने के लिए वो विवश किया है। एक और बात सर आपने कही थी कि सारे स्कूल वालों के पास एक जो समस्या है कि आर्थिक रूप से लगभग सभी स्कूल वाले परेशान हैं, आर्थिक परेशानियां लगभग सभी के पास इस समय है, ये बात सही है कि आर्थिक परेशानियां हैं, चूंकि स्कूल में फिर से आपने बताया कि जो 3 महीने का जो पेमेंट है हम लोगों का, पिछले का ही बाकी है, इस समय की बात आ रही है कि फीस मांग रहे हैं। और एक इन सभी बातों के बीच में जो आपने एक बात कही कि प्राइवेट स्कूल जब कैटेगराइज किया जाता है तो उसमें तो हम भी आ जाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल जिसकी संज्ञा है, हमारी संज्ञा प्राइवेट स्कूल नहीं है, क्योंकि हम सरकारी दस्तावेज में हम प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन यदि आप व्यवहारिक रूप से देखें तो हम प्राइवेट स्कूल नहीं है। एक बहुत लाजवाब बात सर आपने कही है। और व्यवहारिक रूप से हम प्राइवेट स्कूल नहीं इसलिए है, 500 रुपया लेते हैं, महीने भर पढ़ाते हैं, 500 रुपया लेते हैं, महीने भर पढ़ाते हैं, 300-300 रुपया हमारे स्कूलों का फी है। अब कोई कहे कि प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं, तो क्या 300 में लूट रहे हैं? जी होंगे,
कहीं पर ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन जब गांव देहात की आप बात करते हैं तो गांव देहात में वास्तव में आप अशोक जी की ही बात ले रही हैं। आपने एक बड़ी अच्छी नौकरी छोड़ के दिल्ली से केवल इस भाव को लेके यहाँ पे आपका आना हुआ कि हम अपने गांव के बच्चों को पढ़ाएंगे, और जब हम अपने गांव को बच्चों को पढ़ाने आते हैं तो ये बात मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे मन में हमारे रोजी रोटी की आकांक्षा रहती है कि हम यदि कहीं काम कर रहे हैं तो वहां से हमको रोजी रोटी आ जाए, लेकिन साथ में जब हमारा भाव रहता है कि हम अपने गांव के बच्चों को पढ़ाएं तो यह भी देखते हैं कि हमारे गांव के बच्चों का शोषण ना हो। तो लेकिन मैं इस बात से भी, प्राइवेट स्कूल में शोषण होता है इस बात को नकारा नहीं जा सकता, मैं भी नहीं नकार रहा हूं, लेकिन सभी प्राइवेट स्कूल को एक ही नजर से देख लेना बिल्कुल ये ठीक बात नहीं है। और खासकर असंगठित क्षेत्र का, अशोक जी आप देखेंगे गांव में जाके देखिए छोटे छोटे स्कूल हैं, और छोटे छोटे स्कूल में छोटे छोटे गांव के गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनका फीस 40 रुपया है, 50 रुपया है, प्राइवेट स्कूल तो भी है, क्या ले लेता होगा 50 रुपया लेकर के। और जो स्थिति आज उन 5 लाख वालों की हो नहीं हो अलग बात है, अपने अपने स्टैंडर्ड के अनुसार आदमी की समस्याएं भी स्टैंडर्ड मेंटेन करती हैं, इन विद्यालयों की तो दशा बहुत ही दयनीय है। अब आप ये तो हो गया, हम लोग लॉकडाउन में इस समय आर्थिक रूप से परेशान हैं, वो तो अलग है कि हम अपील कर सकते हैं सभी गार्जियंस लोगों को कि वो थोड़ा सा, चूंकि हम उनके बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमसे मिले जुले आत्मीयता हो और हम भी उनके घर तक पहुंचे, ये और बात है उनके दिल तक पहुंचे। लेकिन जो मूल बात है आपकी कि आत्मीयता नहीं बन पा रही है, क्यों नहीं बन पा रही है और इसका क्या रीजन रहा, और आगे हमको किस तरह से गार्जियन के साथ आत्मीयता बनानी है, किस तरह से हमें एक बच्चे को नहीं पढ़ाना, एक फैमिली के साथ रिलेशनशिप बनाना है, और यदि ऐसा हम करने में सफल होते हैं तो क्या फ्यूचर होगा हमारे स्कूल का भी और हमारे सोसाइटी का भी। अशोक सर देखिए, अभी जैसे आपने ये कहा कि आत्मीयता, जैसे हम लोग एक तो टॉपिक पकड़े ना कि एक आत्मीयता जो नहीं है, यहाँ हम लोग जड़ पकड़े, डायग्नोस पे हम लोग आ गए, तो डायग्नोस पे ही निकला कि डायग्नोस जो हमारा था कि आत्मीयता जो बीमारी है उसकी जड़ है आत्मीयता। तो आत्मीयता बनाने किसी बच्चे को हम पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे सबसे बड़ी चीज होती है कि कोई गार्जियन, कोई बच्चा हमारे पास आता है, हम निजी विद्यालय है, हम विद्यालय चला रहे हैं, तो जैसे ही बच्चा, जहां तक मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, समस्या ये है कि आपके पास पहले आते हैं तो शहरों में आप जाइएगा जो स्कूल्स हैं, तो एक गार्जियन का पहले वहां पे इंटरव्यू होता है, हम लोग तो इंटरव्यू नहीं लेते हैं, लोकल स्तर के जो भी स्कूल वाले हैं हम लोग एक गार्जियन का बैकग्राउंड स्कोर या जो भी उसकी पीछे की चीजें वो जानने का प्रयास नहीं करते। शहर का जो लेवल है तो शहर में जाइएगा तो आपके पास जब गार्जियन आएगा तो उसका इंटरव्यू होगा, उसकी टीचिंग जो उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, उसका एनुअल इनकम हिस्ट्री देखा जाएगा, सारी चीजें हम लोग जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं, जो स्कूल है सारा चीज, एक इंटरव्यू बच्चे के इंटरव्यू के पहले जो गार्जियन का इंटरव्यू होता है। तो उसी तरह हम जब भी किसी गार्जियन का, जैसे हमारे यहाँ जब एडमिशन है जो भी प्राइवेट स्कूल वाले हैं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गार्जियन का प्रॉपर इंटरव्यू लीजिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछिए, क्योंकि ये देहात है तो सब आकलन आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने पढ़ाई क्या की हुई। देहात के लोग कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उनकी सोच अलग है, एक हर गार्जियन चाहता है कि मैं अपने बच्चे को यहाँ तक पहुंचाऊं, हर गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा भी कल डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, समाज में नाम करे। तो आप जब आत्मीयता, आप दोनों की कनेक्टिविटी भी जब करना चाहते हैं, आप अपने अभिभावक से जब जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले एडमिशन के दौरान ये कंफर्म करिए कि गार्जियन की अपेक्षा क्या है विद्यालय से, वो किस आधार पे, क्या समझ के आपके पास वो एडमिशन के लिए आया है। अगर बच्चे के पास उसकी भाव को समझिए, क्योंकि आप जो है एक शिक्षक है, मार्गदर्शक है, गुरु है, तो जब गुरु है तो उन भावों को समझिए कि किस उद्देश्य से गार्जियन
जी अशोक सर, पास आया है ये अपने बच्चे में क्या कल्पना कर जी अशोक सर। हाँ एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे थोड़ा गैप दी, एक सेकंड के लिए मैं अभी आपसे फिर ये होता हूँ, बस एक मिनट सर। जी हाँ, जैसे मेरे कहने का मतलब था, जहां तक आत्मीयता की बात आती है, गार्जियन से आपकी आत्मीयता को जोड़ने का जहां तक कड़ी होगा, तो ये कड़ी वो होगी कि सबसे पहले हम गार्जियन के भावों को समझे कि किस भाव से वो विद्यालय में आया हुआ है, क्या उद्देश्य लेके वो पहुंचा हुआ है, या एपीएस में पहुंचा हुआ है या किसी अन्य विद्यालय में गया हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है अपने बच्चे के लेके और किस भाव से आपके पास पहुंचा है। तो वहां पे आप एक सहयोगी के तौर पे, एक जो है हितैषी के नाते हम गार्जियन के भावों को समझें। अगर लगता है कि वो गार्जियन वास्तव में एक लालसा लेके आपके पास आया हुआ है, एक इच्छा लेके आया हुआ है कि बच्चे को आप, हम आपके पास आए हुए हैं, इस भरोसे आए हुए हैं कि आप हमारे बच्चे को जो है एक अच्छा नागरिक या कहिए एक अच्छा इंसान बना दीजिए, या जो इसकी संभावनाएं हैं जो इसमें आपको दिख रही हैं, तो उस हिसाब से उसको काबिल बना दीजिए। तो जब इस तरह की भावनाएं आपके अंदर भी होंगी, जब एक सहयोगी की भावना, एक हितैषी की भावना के साथ आप उस गार्जियन से जुड़िएगा, तब ये आत्मीयता उत्पन्न होगी। अब इसमें जानिए, जैसे हर तरह के गार्जियन आपके पास आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गरीब कौन है अमीर कौन है, जिस गार्जियन के अंदर लालसा है कि मुझे अपने बच्चे को आईएएस बनाना है, अगर वो रिक्शा चालक भी है, एक साधारण किसान भी है, तो वो अपनी क्षमता खुद ही जागृत करके आपके पास आएगा। वो अपने आप को कमजोर करके आपके पास नहीं आता है, वो केवल संभावनाएं लेके आपके पास आता है, और उन संभावनाओं को आप सबलता प्रदान करिए। जो अभिभावक आपके पास आया है तो उसकी संभावनाओं को आप सबल करिए, ना ही कि उसको कमजोर करिए। पहले कोई गार्जियन मानिए है, वो किसान है, आपके पास आया, और आया तो कहा कि सर हम अपने बच्चे को जो है डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो वहां पे अगर उसकी आर्थिक स्थिति से अपने आप आकलन करिएगा, आप कहिएगा कि आप जो है क्या इतना फीस दे पाइएगा, तब थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा अन्याय होगा उस गार्जियन के साथ। वहां आपकी जो, ये सबसे बड़ी चीज है कि एक शिक्षक को एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, और ऑब्जर्वर वो तभी होगा, एक अच्छा ऑब्जर्वर ही अपने छात्रों को आगे ले जा सकता है। तो ये संभावनाएं खुद ही आपको देखनी है, एक जो कहते हैं कि आपके पास वो नेत्र होना चाहिए जो संभावनाएं देख सके कि क्या इस गार्जियन में, वो इसके बच्चे में, इस गार्जियन में वो संभावनाएं हैं जो इस बच्चे को हम लोगों के सहयोग से उसके सपनों को साकार करने में सक्षम है। तभी जो होगा कि एक रिलेशन बनेगा, हम लोग का आत्मीय टच बनेगा। तो देखिए, जब से किसी कमजोर को आप आगे ले जाते हैं, तभी जो है आपको प्रकृति भी आपका सहयोग करती है और स्वयं भी आपको एक सफलता मिलती है। बात ये नहीं कि हम जो व्यवसाय, चूंकि हम लोग व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, एक ही शब्द में अगर कहें हम, या कहिए प्राइवेट स्कूल कहिए या जो भी स्कूल कहिए, तो जब विद्यालय या स्कूल शब्द आएगा तो स्कूल एक व्यवसाय नहीं है। तो पहले हम इसको व्यवसाय समझ के ना करें, इसको एक धार्मिक कह सकते हैं, धार्मिक पेशा इसको कह सकते हैं। ये धार्मिक जब इसको आप जोड़ दीजिएगा, तब जो है संभावनाएं उत्पन्न होगी आत्मीयता। बहुत बढ़िया अशोक सर, आपने जो अभी तक के वार्ता में डिस्कस किया, जो अभी हमारे सामने चीजें निकल के आई, कि जो
गार्जियन का जो मनोभाव है, जिस उम्मीद और जिस थोड़ा सा हम लोग वैष्णो देवी से इसका तुलना करते हैं, वैष्णो देवी के प्रति लोगों के मन में आत्मीयता होती है। क्यों होती है? जाएंगे वहां पर तो वहां पर मेरी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसका मतलब ये लग रहा है कि यदि लोग हमसे कटे हुए हैं तो एक बड़ा गैप है। सरकारी स्कूल, मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूं, मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर, और मैं ये देखता हूं जब पैसा बंटाता है जमा हो जाते हैं, लाइन लग जाती है, एक को पैसा नहीं गया, फोन आता है, सभी अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहते हैं। सभी अपने बच्चे को बड़ा बनाना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं, लेकिन तब वो फोन आता है जब पैसा आता है। सरकारी विद्यालय में आज तक कोई प्रश्न नहीं आया क्या पढ़ाते क्या है। चलिए छोरी, मान लीजिए कि वो हम सरकारी विद्यालय हैं, हम कहते हैं कि विद्यालय में ही गलतियां हैं। दुकान वाले को यदि आप नालिश नहीं करिएगा जाकर के, दुकान वाले को नालिश नहीं करिएगा तो वो सामान जो बेचेगा वो तो कोई भी सामान आपको बेचेगा। तो एक जो प्रवृत्ति विद्यालय के पास है कि उसको ये पता नहीं चल पाता है कि वास्तव में हम बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं उसमें डेवलपमेंट किस तरह से आ रहे हैं। तो विद्यालय को दो लेवल पे काम करना होगा मेरे समझ से। एक तो गार्जियंस का जो माइंडसेट है उस पर थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि हम उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी बात कि हमें निश्चित रूप से जो अपनी महत्ता है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, जिसके लिए समाज हमको ताज देता है, उन गुणों को अपने अंदर डेवलप करना होगा। बहुत सही एक बात कह रहे हैं, व्यवसाय ही करना होता तो क्या ठेकेदारी हमको नहीं मिलती, आपको नहीं मिलती? मिल सकती थी। स्कूल में कोई ये सोच के आता है कि मैं व्यवसाय कर रहा हूं, माना कि स्कूल से व्यवसाय भी हो जाता है, माना कि हो ही जाता है। व्यवसाय का क्या मतलब? हमारे किसी उपक्रम से दूसरे को लाभ हो और उसके बदले में हमें धन मिले तो हो गया हमारा व्यवसाय। यदि इस दृष्टि से देखें तो स्कूल को, लेकिन स्कूल व्यवसाय के लिए नहीं है। स्कूल का काम है सोसाइटी को चेंज करना, व्यक्ति का निर्माण करना, व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाना। टीचर चेंज में करें, स्कूल चेंज में करें। यदि हम अब आप फिर से हम उसी मुद्दे पे आ जाते हैं अशोक सर, जिस तरह से क्यों लोग हमारे ओर आत्मीयता का भाव रखेंगे, कहीं ना कहीं स्कूल हम के मामले में, हम इस मामले में कमजोर हुए हैं। हम अपनी चेंज मेकर की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कमी है और इस कमी को हमें स्वीकार लेना चाहिए। चाहे जितना भी हम पॉलिश मारेंगे, गार्जियंस सोसाइटी हमारा तभी सम्मान करेगा जब हम चेंज मेकर की भूमिका में आएंगे। हमारे यहाँ पढ़ने से किसी लड़के के लाइफ में बदलाव आएगा और वह बदलाव लोगों को दिखेगा, उसकी जिंदगी सकारात्मक दिशा में बदलेगी। तो हमें, मुझे ये लगता है कि गार्जियंस और टीचर दोनों को मिल करके एक बार बच्चों पे काम करना होगा। और अपने यहाँ जो ईश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा वरदान दिया है बच्चों के रूप, बच्चे हमारे वरदान ही हैं, उनके अंदर वो सारी क्षमताएं भर के उन्होंने भेजा है। तो हमारा काम है कि उन क्षमताओं के लिए एक तरह से माता पिता और हम दोनों लोग बागवान है, हम माली टाइप के हैं, बीज तो उनके अंदर है। तो जब हमारे स्कूलों से निकले हुए बच्चे इस तरह का की प्रतिभा लेके होंगे, पैदा होंगे, तो तब हमारा सम्मान असल में होगा, जब हमारी प्रतिभा का विकास होगा। जिस दुकान का चाय की जो क्वालिटी होती है, दुकानदार मीठा बोले तो जो सामने वाला होता है उसे अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग्स आती है। लेकिन मीठा बोले
और चाय भी उसकी क्वालिटी का हो, मीठा बोलना तो व्यवहारिक बात हो गई, व्यवहार की बात, और चाय भी क्वालिटी की हो। क्या मतलब क्वालिटी का? पीने पर निकले वाओ क्या चाय है, ठीक है। तो ये बात क्या है? आपको ऐसा नहीं लगता है कि मोस्टली गार्जियन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन गार्जियन खुद, एक तो गार्जियन खुद नहीं जानता है कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, जान भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास वो स्किल नहीं है। अधिकांश लोगों के पास, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत विद्वान भी गार्जियंस हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे माफ करें, मैं मास की बात कर रहा हूँ। अधिकांश लोगों को ये पता नहीं, उनको यही पता है कि यदि अशोक जी के स्कूल में नाम लिखवा दीजिए, पांडे जी के स्कूल में नाम लिखवा दिए तो मेरा काम ओवर, बच्चा पढ़ लेगा। और हमारा क्या है कि हम उस पे काम तो करते हैं, लेकिन चूंकि उसका फादर पक्ष, मदर पक्ष, सोसाइटी हमको चेक नहीं करता है, हमको एक ही बात में चेक करता है कि भाई हम स्कूल चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, उसको एक ही बात में चेक करता है। तो क्वालिटी, मतलब हमारे कहने का मतलब क्या है कि लोग बड़ा बिल्डिंग देख के नाम लिखवाते हैं, लोग ये नहीं देख के नाम लिखवाते कि भाई इसमें क्या है। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है उसके विकास में, जो अंतिम क्वेश्चन है, स्कूल अपना रोल पूरी तरह से निभा रहे हैं? यदि निभा रहे हैं, यदि नहीं निभा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये आत्मीयता नहीं होने का, लोगों के आत्मीयता का नहीं होने का एक बड़ा रीजन है। आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, हम अब मैं क्लियर कर दे रहा हूं, सबसे एक ही कोई इसमें बड़ा इस आपके सवाल का एक सिंपल सा जवाब है। इसका जवाब यही है, देखिए गार्जियन आज यही सोच रहा है, जब तक अभी हमने कहा है, जहां तक हम लोग शुरू में इस मुद्दे पे पहुंचे थे, आत्मीयता वाली जहां तक बात आती, तो आत्मीयता में एक शब्द होता है, वो शब्द अभी जो दीवार बना हुआ है वो शब्द है खरीद बिक्री। गार्जियन आपके पास अगर अपना बच्चा भेजा है तो वो ये समझ के भेजा है कि हमने जो है हम फीस पे कर रहे हैं, तो हमने जो है स्कूल को जो है या शिक्षकों को है वो खरीद रखा है, राइट? तो ये तो व्यवसाय है। बिल्कुल यही है, यही मैं आपको क्लेरिफाई कर रहा हूँ, यही चीजें मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ अशोक सर, गार्जियन के मन में ये भाव। अशोक सर एक मिनट, इसमें एक और चीज मतलब आप मेंशन करिएगा, गार्जियन का माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, बिल्कुल चेंज करने की जिम्मेदारी स्कूल को है या नहीं है? बिल्कुल, इसकी जिम्मेदारी मैं थोड़ा सा आपको पीछे भी ले जाऊंगा, अभी मैं इसको क्लियर कर दूं। ये थोड़ा सा खरीद बिक्री का वर्ड बुरा भी लगेगा हो सकता है किसी को, लेकिन इसको बुरा कोई नहीं मानेगा, क्योंकि हम अपने तरीके से हम कह रहे हैं, ये एक मतलब जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन, मैं अपना पक्ष रखना चाह रहा हूँ, इसको अन्यथा कोई ना ले। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी है, अभी तक जो आत्मीयता वाली बात आती है, तो आत्मीयता में खरीद बिक्री नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये सर्विस की बात आती है, सेवा भाव की बात आती है। तो हम लोगों के अंदर भी एक भावना जाग चुकी है, जो अब विद्यालय चला रहे हैं, प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, तो उनके मन भी एक भाव बैठ चुका है कि हम सर्विस ना दे के कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और कस्टमर जो है हमारा, एक तरह से कहिए, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट नहीं हो रहा हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं ग्राहक और जो है खरीदार की बात कर रहा हूं, तो वहां पे जो है सेलर और बायर की बात हो रही है एक तरह से। तो गार्जियन ये सोच रहा है कि आई एम पेइंग फॉर दिस सर्विस, और आई एम पेइंग फॉर, मैं अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा हूं तो वो मुझे पढ़ा रहा है, तो वो फीस मैं दे रहा हूं तब मुझे पढ़ा रहा है। अब मैं आपको इसी पॉइंट से ले जाता हूं, जब गुरुकुल हुआ करते थे, अब मैं आपको ले जाऊंगा जो पुराने, आज वो भी था, उस समय भी ये चीज थी, उस समय भी गुरु लोग फ्री में नहीं पढ़ाते थे, उस समय तो इससे महंगा फीस लिया जाता था, क्योंकि राजा के बच्चे को भी भिक्षाटन के लिए भेजा जाता था उस समय, रोज का रोज। आज तो खैर चलिए कि एक महीने का, दो महीने का फीस लिया जाता है, गुरुकुल में तो ये था कि आज जो है पढ़िए और शाम को भिक्षा मांग के लाइए, और उसी भिक्षा से जो है गुरु का भी आपको पालन करना है, गुरु परिवार को भी चलाना है, अपना स्वयं का भी पालन करना है। तो उस समय का फीस तो इससे भी महंगा था। एक मानिए सुकुमार लोग आते थे, राजघराने के बच्चे आते थे गुरुकुल में, और जो है बेचारे जो है पढ़ते थे और गुरु को रोज का फीस देते थे। उस समय तो ये फीस तो आजकल तो मानिए ये कहते हैं कि ये
पैसा जो है एक द्रव कहिए जिसका कोई ये नहीं है, सिद्धांत नहीं है। अब एकलव्य का उदाहरण लीजिए कि वो भावना कितनी थी, वो अटैचमेंट कितना था। उस बच्चे ने गुरु के लिए एक दिन भी उस गुरु से कुछ नहीं लिया था, लेकिन भावनात्मक शिक्षा की वजह से उतना बड़ा उसने कुर्बानी दी कि जो है अपना अंगूठा काट के दे दिया। अशोक सर, तो वो था ये बात समझ में आ रही है। ये जो यही तो मैं, मेरा प्रश्न है कि प्राचीन काल में तो ऐसा था नहीं था, क्या था वो एक अलग बात हो गई। वर्तमान में जो समस्याएं हैं वर्तमान में हमारे सामने है, और वर्तमान में जो हमारे सामने बड़ी समस्या है कि स्कूल अपना डफली अलग बजा रहे हैं, पेरेंट्स अपना राग अलग गा रहे हैं, और बच्चे दोनों के पेरेंट्स के अपेक्षाओं में और स्कूल के होमवर्क में ये कहा जाए कि दोनों के बीच में दब रहे हैं। हमारा आपका भी स्कूल का भी मकसद है बच्चे को आगे ले जाना, गार्जियन का भी मकसद है बच्चे को आगे ले जाना। क्या मतलब इस आगे ले जाने का? हमको ये लगता है कि बच्चे को आगे ले जाने का मतलब हुआ कि वो रेस जीत जाए। तो ये जो रेस जीत जाने का जो भाव है, वो दोनों आदमी और स्कूल भी रेस में दौड़ा रहा है, गार्जियन भी रेस में चाह रहा है। इसमें दो पार्टों के बीच में साबुत बचानक होए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। एक मिनट सर, हमारे पास टाइम है, हम लोग 45 मिनट पार कर चुके हैं। एक मिनट में इस बात पे आपसे मैं विचार चाहूंगा। अब विचार वही है कि सिंपल, आपने कहा कि बच्चे बिल्कुल वास्तव में इसमें पिस रहे हैं, जो आपकी समस्या है। और मैंने शुरू में इसका जवाब दिया कि जैसे ही गार्जियन आपके पास जो आया, तो उसके गार्जियन के भाव को समझना है कि वो किस उद्देश्य से आपके पास आया है। मेरा वही है कि सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि जो हम लोग जो इंटरव्यू शहरों में उसके बैकग्राउंड को लेके लिया जाता है, तो सिंपल जैसे आपके पास गार्जियन आए, तो इस चीज को आप ऑब्जर्व करिए कि उस गार्जियन का उद्देश्य क्या है, किस भावना के आपके पास आया। और ये जिम्मेदारी आपकी है, जो विद्यालय चला रहे हैं, जो शिक्षक है उनकी जिम्मेदारी है। यानी जो मैं सारा भार जो है हम उन्हीं शिक्षकों के ऊपर देते हैं, सारा भार मेरे ऊपर है। इसलिए है कि हम अपने सम्मान में ये कसीदे करवाते हैं, हम गुरु हैं, हम अपने सम्मान में, बिल्कुल हम अपने सम्मान में जब हम गुरु हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा काम है अस्तो मा सद्गमय। तो पूरे समाज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारे कंधे पे है। अब यदि इसे हम नहीं समझ पा रहे हैं तो ये और बात है, लेकिन समझना चाहिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय अशोक सर, आज की जो चर्चा हुई, यह चर्चा निश्चित रूप से मूल्यवान है, और यह निश्चित रूप से उन लोगों को शिक्षा की दिशा में कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी जो सोच रहे हैं कि हमें कुछ करना है। जो नहीं सोच रहे हैं उनका नहीं सोचना मुबारक, लेकिन आज इस तरह की चर्चाएं जो हमारे आपके बीच होती रहेंगी, तो इससे बारिश जब होती है तो कुछ ना कुछ लोग तो अपना खेत रोप ही लेते हैं। ये कहते हैं ना कि जब बारिश बूंदा बूंदी होती है तो कुछ लोग अपना काम कर ही लेते हैं, तो जिसका पात्र खाली होता है वो पात्र भर जाता है। इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग शिक्षा की क्रांति को आगे बढ़ाएंगे, ज्योति शिक्षा का एक जो प्रकाश है जो कि जल रहा है, उसको और जन जन तक पहुंचाएंगे। शिक्षा जन जन तक, स्कूल जन जन तक पहुंच चुका है, शिक्षा हमारे मोबाइल में सबके हाथ में कैद हो चुकी है, लेकिन शिक्षा हम पे काम नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं शिक्षा हम पे काम करना चाहती है, विद्या हम पे काम करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे और विद्या के बीच में एक बड़ा दीवार खड़ा हो चुका है। उस दीवार को गिराना है और शिक्षा के इस अभियान को फिर आगे बढ़ाना है। इसी मिशन के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर आपको कि आप हमारे आग्रह को स्वीकार किए और इस तरह के कार्यक्रम में आए। और मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ कि सप्ताह में एक दिन यह चर्चा इसलिए होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आग, दुष्यंत कुमार की पंक्ति याद आ रही है मुझे, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों का पीर पर्वत हुआ है, और पीर पर्वत हो गया है तो ये हिमालय हो गया है। तो कहते हैं ना कि दर्द जब हद से गुजर जाता है तो गा लेते हैं, दिल की तनहाई को आवाज बना लेते हैं। तो चलिए ठीक है, ये हमारी गीत ही सही, हम गा तो रहे हैं, अरे किसी रूप में सही आपके पास आ तो रहे हैं,
आप कर रहे हैं धीरे धीरे ही सही। ये आसमान अपना है, ये धरती अपनी है, हम छा तो रहे हैं। तो इस तरह से इस तरह से कि लोगों को धूप मिले, लोगों को छाया मिले, और कुल मिला जुला के जो ये पक्षी, एक पक्षी जो हमारे इंतजार में है हमारे कि हम कब उसको पर दें, उन पक्षियों को पर देने के क्षेत्र में, दिशा में हम लोग काम करें। और मैं वास्तव में आज मैं बहुत इंस्पायर हूँ, बहुत ही इंस्पायर हूँ आपके इस तरह के चर्चा से। एकदम सही दिशा में, सही पॉइंट पे, सही बात, पूरी ईमानदारी के साथ बात। मैं सबसे बड़ी बात ये देखता हूँ कि ईमानदारी के साथ बात, चर्चाएं तो होती रहती नहीं, ईमानदारी के साथ चर्चाएं नहीं होती। आज ईमानदारी के साथ इस चर्चा को लेकर के ये मेरा भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। बेस्ट ऑफ लक, और सर अब थैंक यू, आदेश दे और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, फिर इंतजार करते रहे। इसी तरह से हम लोग सप्ताह में एक दिन आएंगे और आपके लिए लेके आएंगे शिक्षा से संबंधित बहुत सारी बातें, बहुत बहुत बहुत, और साथ में हम लाएंगे और नए नए मेहमान भी। मैं हूं डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे और आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।